देखो, व्हाट इज सीड? बिफोर वी टॉक अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट इज एप्रोप्रिएट टू रिफ्रेश योर नॉलेज. व्हाट इज द थ्री टर्म, फ्रूट, सीड एंड ग्रेन? मतलब सीड के बारे में डिटेल जानने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख अलग लेते बता हैं. रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। फ्रूट क्या है, सीड क्या है और ग्रेन क्या है? एक्चुअली फ्रूट और सीड तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सीड और ग्रेन ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है. उसके बाद सबसे पहले फ्रूट यहाँ पर दिया है, तो फ्रूट इज द इनलार्ज राइपेंड ओवरी, द ओवरियन वाल फॉर्मिंग द फ्रूट वाल इनक्लोजिंग द सीड. इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर में सीड्स होता है ना, ये सारा पार्ट जो होता है ना यहाँ पर, एक्चुअल में ये सारा पार्ट इसको खाना देने के लिए होता है. जो सीड है वो अंदर जीवित तभी रहेगा जब ये सब उसको खाना प्रोवाइड करते रहता है, जिसको हम लोग खा जाते हैं ना. तो यही इसको, फ्रूट रहता है। हाँ, ये जो फ्रूट है ना वही इसको जिंदा रखता है. और दूसरा हेल्प भी करता है फ्रूट के जरिए, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरा जगह लेकर के चले जाते हैं और सीड्स को. ठीक है, छोटे फल के लिए होगा, आम को तो नहीं ले जाएगा. तो मतलब फ्रूट के जरिए सीड्स आसानी से एक जगह से दूसरा जगह फैलता भी है. और इसी सीड को जब ज़्यादा पानी वगैरह मिलने लगता है, ऑक्सीजन और पानी इनफ मिल जाता है, तो फिर ऐसे पौधा निकल जाता है. द ओरियन वाल फॉर्मिंग द, आवाज तो क्लियर आ रही है ना। हाँ आवाज़ क्लियर है, द फ्रूट वाल इनक्लोजिंग द सीड. ठीक है, द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, इस सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट, एंड हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, और सीड को एक जगह से दूसरा जगह जाने में भी मदद करता है. अब एग्जाम्पल यहाँ पर मैंगो पी पॉड. उसके बाद देखो, ये ओवरी होता है और ये ओबुल होता है. ओबुल हम लोग ऐसे फ्लावर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे. सीड इज ए राइपिन ओवल, सो ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये ओवरी है और ये ओवल है. इट कंटेन्स एम्बारियो विच डेवलप इन ए न्यू प्लांट. एम्बारियो एक तो होता है, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वो सीड जो होता है सीड के पास से एक छोटा सा निकला हुआ रहता है बाहर की ओर. इधर दिया है, नहीं दिया है, फिगर में कहीं दिखाया ही नहीं है. वो सीड जो होता है ना उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ से पौधा निकलता है, वही होता है एम्बारियो. कहाँ गए थे, इट कंटेन एम्बारियो विच डेवलप इन टू ए न्यू प्लांट. वही एम्बारियो बाद में न्यू प्लांट में डेवलप्ड हो जाता है. फिगर एक तो दिखा देते हैं एम्बारियो का, ये यहाँ पर ये जो पत्ता टाइप का दिख रहा है छोटा सा, और भी कहीं पर दिखाया है, ये देखो यहाँ पर वही चीज़ है जहाँ से प्लांट निकलता है ना उसी को एम्बारियो बोलते हैं, यहाँ से प्लांट निकलने वाला है. उसके बाद है द सीड्स कोट प्रोटेक्ट्स द एम्बारियो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. सीड का जो कोट होता है, कोट मतलब जो बाहरी आवरण होता है, वो एम्बारियो को बाहरी डैमेज मैकेनिकल डैमेज से बचाता है. एग्जाम्पल हो गया बीन सीड और साथ में प्याज, ये सारा जो है सीड है. उसके बाद ग्रेन, ग्रेन में देखो वो मक्का, इसमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर सीड है और कहाँ पर फ्रूट है, मिक्स होता है पूरी तरीके से. ग्रेन एज फाउंड इन मैज व्हीट ATC इज एक्चुअली द फ्रूट इन विच द फ्रूट वाल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर, एक साथ फ्यूज्ड रहता है फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव लेयर. प्रोटेक्टिव लेयर के साथ दोनों मिक्सड होता है. उसके बाद इट इज सीड के बारे में दिया है, इट इज ए मैच्योर ओवल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इट कंटेन ए टीनी लिविंग प्लांट जिसको हम लोग इम्बारियो बोलेंगे, छोटा सा जो प्लांट होता है इसके अंदर. उसके बाद द एम्बारियो रिमेन्स इन एन इनएक्टिव स्टेट अंटिल एक्सपोज टू फेवरेबल कंडीशन. जब तक इसको इनफ ऑक्सीजन और पानी नहीं मिल जाता है तब तक ये अरे सर एक्टिव. एक मिनट, हाँ, छूट गया इसमें पूरा. मैंने अभी इंटरनेट चेंज करके दूसरे इंटरनेट से अभी वापस कर दिया। इस टाइम में नहीं पकड़ता सर, 4 बजे के आसपास इंटरनेट पकड़ता नहीं। 4 बजे दिक्कत होता है ना, हाँ वही दिन के टाइम पे होता है, मुझे भी पता ऐसे है। शायद आज भर ही होगा दिक्कत, उसके बाद फिर 5:30 ही हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का वो चैप्टर जो डिफरेंट है वो ख़त्म हो जाएगा. कौन सा बोले, कौन सा दिन? उन लोग का अभी जो चल रहा है वो क्या नाम था, वो कोलाइडियल, ये सब. मैटर हाँ, मैटर आज ख़त्म हो जाएगा, सस्पेंशन, कोलाइडियल, ट्रू सोल्यूशन, ये सब था. अच्छा, इम्बारियो का पिक्चर देखा था, कहाँ तक किया था तुम? एम्ब्रियो से पढ़ाना था इसका फोटो नहीं देखा है ना. एम्बेरियो बता नहीं। एम्बेरियो बताया था कि ये मतलब प्लांट के अंदर छोटा सा पौधा टाइप का होता है, जैसे इसको एम्ब्रियो तो इस, सर आदमी में भी होता है ना। हाँ आदमी में भी होता है.
ऐसे प्लांट में जो होता है वो सीड के अंदर होता है, ये जहाँ से तुम्हारा पत्ता निकल रहा है, जहाँ से प्लांट निकलने वाला होता है ना, वही होता है। यहाँ पर देखो, ग्रेन एज फाउंड इन मैज व्हीट इट इज एक्चुअली द फ्रूट इन व्हिच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूल टुगेदर। अच्छा, ऐसे पहले था एम्बरियो, सीड वाला में था, सीड वाला पोर्शन में हम लोग पढ़े थे, सीड इज ए रैपेंड ओवल्स, और ओवरियो ओवल्स में फर्क बताए, ओवरी जो होता है वो फ्रूट होता है और ओवल्स जो होता है वो सीड होता है। इट कंटेन्स एम्बारियो व्हिच डेवलप्स इनटू ए प्लांट, न्यू प्लांट। इसके अंदर एम्बारियो होता है जो कि नया प्लांट में डेवलप्ड हो जाता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सीड क्या करता है, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर बीन और सीड पीस दिया हुआ है। उसके बाद ग्रेन एज फाउंड इन मैज। अब देखो ग्रेन में क्या डिफरेंस है, ग्रेन और सीड जो होता है काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, मिक्स होता है, इसमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर फ्रूट है और कहाँ पर सीड है। तो इन दोनों का कंबाइंड होता है, दोनों को मिक्स करके, जैसे कि मक्का वाला जो होता है, मक्का तुम्हारा ग्रेन है, गेहूँ गेहूँ जो है वो ग्रेन है, उसमें तुम्हारा सीड और फ्रूट एकदम मिक्स होता है। इसमें दिया हुआ है, एक्चुअली द फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर। सीड कोट मतलब कि बाहर वाला जो आवरण होता है, जो सीड को इन बड़ियों को जो बचाता है वो, और जो फ्रूट वाला इसका पार्ट होता है, सारा एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है, मिक्स होता है। उसके बाद सीड के बारे में कुछ और दिया है, इट इज ए मैच्योर ओवल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो तो हम लोग पहले ही देखे। इट कंटेन्स अ टीनी लिविंग प्लांट एम्बारियो, इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है जिसको एम्बारियो बोलते हैं, और द एम्बारियो रिमेन्स इन एंड इनएक्टिव। जब तक तुम्हारा सीड के अंदर है तब तक ये इनएक्टिव होता है, जैसे ही ऑक्सीजन और क्या फ्रूट के अंदर जब तक रहता है तब तक इनएक्टिव रहता है, जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर मिलता है एनफ, ये एक्टिव हो जाता है। द सीड ऑल्सो कंटेन फूड मटेरियल, सीड के अंदर ही फूड मटेरियल होता है, हम जो बताया जिसको हम लोग खाते हैं, वो एक्चुअल में रहता है नोरिशमेंट के लिए, किसके नोरिशमेंट के लिए, एम्ब्रियो या के जर्मिनेशन या फिर सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फूड मटेरियल। द एम्ब्रियो कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ड्राफ्ट, सम सीड नॉन रिमेन। देखो, 100 साल तक भी अंदर, जब तक ये फ्रूट के अंदर है ना, तब तक ये 100 साल तक सेफ रह सकता है। कोई हाँ कोई तो सब फ्रूट तो सड़ जाएगा ना पर। फ्रूट नहीं, कोई कोई हर अथी के लिए नहीं है, जैसे कि मान लो कि नारियल ज़्यादा दिन तक टिक सकता है ना, नारियल सबसे तो बड़ा सौ सीड साल तक नारियल ना ही है ना, सबसे बड़ा। सीड। हाँ, हाँ सर वो तो खुद ही सीधे है। वो सबसे बड़ा होता है, और जो गोल वाला उसके अंदर, वो जो गोल वाला निकलता है ना, जिसके अंदर पानी रहता है, इसको जो मतलब नोरिशमेंट मिलता है वो उस पानी से मिलता है अंदर में जो है होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। टाइप ऑफ सीड, ब्रॉडली द सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिले। ये मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस क्या है, इसमें जैसे कि मान लो ब्रेक से, बीच से अगर ब्रेक हो जाता है सीड, तो उसको बोलेंगे डाइकोटिलेडोनस। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल सीम वाला जो होता है, इसमें क्या दिया है, मक्का दिया है, मोनो ग्रास और मक्का जो होता है वो मोनोकोटिलेडोनस है, और यहाँ पर पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन हो गया, ये सारा डाइकोटिलेडोनस। मतलब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो बीच से दो पार्ट में टूट जाएगा, और देखे हो ना चना वाला दाल जो होता है बीच से दो पार्ट में टूटा हुआ रहता है। उसके बाद है सीड वैरी इन साइज, सम आर सो स्मॉल दैट दे आर बैरली विजिबल टू नेक्ड आई, कुछ कुछ तो इतना छोटा होता है कि खाली नग्न आँखों से दिखता भी नहीं है, और कुछ काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि पम्पकिन का हो गया और मैंगो का हो गया, और लार्जेस्ट सीड आर दोज ऑफ कोकोनट, यहाँ पर दिया हुआ है कोकोनट एंड डबल कोकोनट। द साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी कंसिडरेबली, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मस्ट, ये बोल रहा है कि साइज तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है सबका लगभग लगभग सेम ही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर क्लासिफाइड एज, पहला है एल्बुमिनस और दूसरा एक जेल्बुमिनस है। तो इसमें हम लोग कैटलिडोन्स आर थीन एंड मेम्ब्रस एंड इंडोस्पर्म प्रसिस्ट
डाइकोट एल्बुमिनियस सीड, इसमें एग्जांपल है मस्टर्ड एप्पल, और मोनोकोट में है मिलेट्स सीरियल्स पॉपी। सीरियल्स मतलब दाल वगैरह ना। सेकेंड हो गया इंसल सीड, कोटिलेडन स्टोर फूड। कोटिलेडन इसमें नहीं दिया है ना, किसको बोलते हैं ए वाला, देखो यहाँ पर फोटो दिखाया है, ए वाला जो पार्ट होता है ना जिससे उन लोगों को खाना मिलता है सीड को, उसी को कोटलीडोन बोलते हैं। इन सच सीड कोटलीडोन स्टोर फूड एंड बिकम थीक एंड फ्लसी। एक्चुअली में इसमें जो होता है ना ये थीक होगा और थोड़ा सा मतलब वो वाटर टाइप का होता है। मोनो ये जो तुम्हारा है पहला वाला, क्या नाम है इसका, एल्बुमिनस, इसका जो ये होता है ना खाना वाला जो कैटलोडन जो होता है ना, वो जनरली थीन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसका हम लोग बात करते हैं तो वो थोड़ा गढ़ा सा होता है। जैसे कि इसमें ग्राम पी मैंगो, मैंगो ये सब का देखते हो ना, मस्टर्ड हो गया, ये सारा है एग्जेलबुमिनस। उसके बाद द बीन सीड्स, बीन के सीड्स के बारे में दिया है थोड़ा। दे आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बीन सच एज ब्रॉड बीन, लीमा बीन, फ्रेंच बीन, एटीसी, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीन्स आर सेम। मस्टर्ड किडनी शेप्ड, एक तरफ से कैनवेक्स और दूसरी तरफ से कैनकेव। रेडिकल, देखो रेडिकल जहाँ से वो निकलता है, प्लांट निकलता है, उसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ सीड कोट, सीड कोट मतलब वो बाहरी आवरण, ये हमारा सीड कोट है। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टा, द आउटर मस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग, इट टेस्टा बोल रहा है ये अंदर वाला जो पार्ट है उसको, ठीक है, उसके कवरिंग को टेस्टा बोल रहा है। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ द टेस्टा, ये वाला नहीं होगा, इसका बाहरी कवर, इसी को बाहरी कवर को ही टेस्टा बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। द आउटर मस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग, इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इनर पार्ट ऑफ द सीड्स फ्रॉम इंजुरी, ये सीड का जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको इंजुरी से बचाता है, एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट। टेगमेंट इज ए थिन इनर लेयर लाइंग नेक्स्ट टू द टेस्टा, टेस्टा के अंदर टेगमेंट होगा, टेगमेंट यहाँ पर तो दिखाया नहीं है ना। एक कहाँ पर होगा, सीड कोट मतलब टेस्टा के नीचे, टेस्टा के नीचे जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टेगमेंट मिलेगा। टेस्टा ये बाहरी आवरण को टेस्टा बोलेंगे, ये सबसे ऊपर वाला जो आवरण, सबसे बाहर वाला। हाँ, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है बैक अटैक ऑफ बैक्टीरिया से, फंगी से, इंसेक्ट से। और उसके नीचे एक पतला आवरण होता है जिसको टेगमेंट बोलेंगे, और टेगमेंट के नीचे जो होगा वो कॉटलीडोन होगा, तीन लेयर हो गया। उसके बाद है हाइलम, हाइलम देख लो यहाँ पर एक छेद होता है मतलब हॉल टाइप का जिससे ये लोग सांस वगैरह ले पाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, हाइलम इसी को बोलेंगे, ये जो यहाँ पर दिखाया है बड़ा करके। इसके जरिए ये अंदर वाला जो प्लांट है वो ऑक्सीजन ले पाता है, तो वो हर सीड में होगा, किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, नहीं दिखेगा। हाइलम इज अ डिस्टिंक्ट व्हाइटिश ओवल स्कार ऑन द कैनकेव साइड ऑफ द सीड, इट रिप्रेजेंट द स्पॉट वेयर द ओवल वॉज अटैच टू द ओवरी वॉज थ्रू ए प्लेंसेटा, ए टीनी पोर माइक्रोपॉल इज माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हाइलम। माइक्रोपाइल भी वही होता है, माइक्रोपॉल सर्विंग टू इट मेक्स द ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंड इंटर टू द ओवल। माइक्रोपाइल सर्व टू फंक्शन, माइक्रोपाइल वो पूरा प्लांट को ही बोल देते हैं, अंदर में पूरा जो प्लांट होता है ना जड़ से लेकर के पूरा, एक बार देख लेते हैं उसका पिक्चर, माइक्रोपाइल का पिक्चर निकाल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है, ये देखो जहाँ से प्लांट निकल रहा है ना इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। अच्छा, जहां से निकलता है वो छेद को, वो अच्छा, होल थ्रू हिच वाटर कैन इंटर, यहाँ से वाटर भी इंटर करता है छेद अंदर। अच्छा, माइक्रोफाइल हो गया, और ये भी हम लोग हाइलम, हाइलम तो वही है, हाइलम भी एक बार देख लो इसमें कहाँ दिखाता है फोटो में पिक्चर में, उसे छिद्र को हाइलम भी इसमें लिख दिया है। एक्चुअल में माइक्रोपाइल जो होता है ना वो हाइलम से बड़ा होता है, हाइलम तो यहाँ पर छिद्र है, लेकिन माइक्रोपाइलम हमको जहाँ तक लगता है पूरा प्लांट को बोलते हैं, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ना उसको बोलते हैं, पर यहाँ पर तो जो दिखाया है क्योंकि हाइलम वो इसमें देखो हाइलम जो दिखाया है उस छिद्र को दिखाया है, ये रेडिकल हो गया, हाइलम हो गया, ये जो छिद्र होता है ये हो गया कॉटिलेडोन, और कॉटिलेडोन हो गया, और फर्स्ट लीव फर्स्ट टू लीव्स, ठीक है,
एपिकोटाइल सीड कोट तो हो गया सबसे ऊपर वाला। देखो इको एपोकोटाइल जो होता है ना पूरा प्लांट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हुआ ना एपिकोटाइल हुआ, और हाइलम वो जो छिद्र होता है वो हाइलम बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से लेकर के ऊपर तक का जो पार्ट है उसी को एपिकोटाइल बोलेंगे। हाँ क्या होता है एपिकोटाइल ना? हाँ एपिकोटाइल। हाइलम छिद्र जो है उसको हाइलम और इस पार्ट को एपिकोटाइल। मेन इसमें एनाटॉमी सारा नाम याद रखना, एनाटॉमी याद हो गया तो फिर इसमें और कुछ है नहीं। अब यहाँ पर दिया है फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल सर्व टू फंक्शन व्हेन सॉक्ड इन वाटर द सीड एब्जॉर्व वाटर मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल एंड मेक इट अवेलेबल टू एम्बारियो फॉर जर्मिनेशन। पर यहाँ पर फिर वही दिया है, फिर यहाँ पर माइक्रोपाइल का मतलब हॉल ही होगा। इट कंसिस्ट फॉर द एब्जॉर्व वाटर मेनली थ्रू दिस माइक्रोपाइल। इट प्रोवाइड फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पायरेटरी गैस। फिर ये हॉल के बारे में भी फिर बोल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है हाइलम और इसमें फर्क डिफरेंस, हाइलम और माइक्रोपाइल है ना। यहाँ चलो पर ठीक है देखो, सर। हाँ यहाँ पर जो दिया हुआ है इस फिगर में हाइलम भी दिखाया है सेम चीज़ को और माइक्रोपाइल भी सेम चीज़ को ही दिखाया है। एक्चुअली हमको लगता है ना कि ये जो छिद्र हॉल जो दिख रहा है ना इसका नाम हाइलम रखा है, और ये जो बाहरी आवरण ये वाला जो है ना वो माइक्रोपाइल माइक्रोफाइल। बोला है। और नहीं तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर दो एक पतला छिद्र हो और साथ में एक इस टाइप का बना हो जिससे प्लांट निकलता है, जिससे एम्बारियो बाहर निकलता है, और ऊपर में एक अलग से छिद्र हो जिसको माइक्रोपाइल बोलेंगे जिससे एयर और वाटर जाता है। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपाइल जो है वो ऊपर की ओर दिखाया है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र दे दिया है, हॉल दिया है और इसका नाम माइक्रोपाइल बताया है, ठीक है। यहाँ पर बता दिया माइक्रोपाइल का जो फंक्शन है वो पहला वाटर और दूसरा गैस को अंदर की ओर लेना। उसके बाद है बिलो द सीड कोट, सीड कोट के नीचे टू थिक कोटलीडॉन व्हिच कंटेन फूड फॉर द एम्बारियो एंड प्रोटेक्ट देम। वो तो बता दिए क्या है कोटलीडॉन, ये वाला पार्ट क्या है कोटलीडॉन है। बिलो द ठीक है, ऑन केयरफुली सेपरेटिंग द टू कोटलीडॉन द एम्बारियो कैन इजिली बी सीन। अगर अच्छा से दोनों पार्ट को अलग अलग करें तो एम्बारियो दिखता है। द एम्बारियो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एम्बारियो में दो पार्ट्स है, एक तो रेडिकल है विच लेटर फॉर्म द रूट। रेडिकल जो है रूट का निर्माण करता है एंड द प्लेमुल जो है विच लेटर फॉर्म द सूट, ये सूट का फॉर्मेशन करता है। द प्लेमुल कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम एंड विथ ए पेयर ऑफ टीनी लीव्स। तो ये तो समझ में आ रहा है, एक तो तुम्हारा जड़ की तरफ जाएगा जिसको रेडिकल बोलेंगे। ए रेडिकल देखो रेडिकल केमिस्ट्री वाला CaL होता है, और ए रेडिकल है CLe। तो जो रेडिकल होगा वो जड़ का निर्माण करेगा और प्लेमुल जो होगा वो ऊपर वाला हिस्सा उसको बनाएगा। उसके बाद देखो यहाँ लिखा बेस भी है ग्रेडिएंट। रेडिकल रेडिकल मैच ग्रेन। द मैच ग्रेन इज एक्चुअली ए वन सीडेड फ्रूट, एक वन सीडेड फ्रूट है विच द फ्रूट वाल एंड सीड कोट आर फ्यूल्ड। इसमें फ्रूट वाल और साथ में सीड का जो कोटिंग किया हुआ है वो एकदम पूरी तरह से मिक्स होता है, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, ए प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है। देयर फॉर वी कॉल सच ए फ्रूट ग्रेन, इसलिए इस टाइप के फ्रूट को हम लोग ग्रेन के नाम से जानते हैं। वन ऑन ऑन वन साइड ऑफ ए ग्रेन अकर ए स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया व्हिच मेक्स द लोकेशन ऑफ द एम्बारियो इनसाइड। यहाँ पर फिगर दिया है, नीचे दिया है, यहाँ पर है पोजीशन ऑफ रेडिकल। यहाँ पर तुम्हारा रेडिकल का पोजीशन है, प्लेमुला जो ऊपर वाला पार्ट बनाता है, और रिमेन्स ऑफ स्टाइल बस। उसके बाद इसमें रेडिकल यहाँ पर, प्लेमुल यहाँ पर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है। यहाँ पर टेस्टा और पेरिकार्प ये दोनों दिखाया है, फील्ड होता है। वन ऑन वन साइड ऑफ ए ग्रेन अकर ए स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया व्हिच मार्क्स द लोकेशन ऑफ द एम्बारियो द रिमेनिंग मेजर अच्छा मतलब पार्ट। बताते हैं कि वहां पे एम्ब्रियो वहीं पे है। हाँ, और इसमें दिया है द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द ग्रेन कंटेन ए लार्ज इंडोस्पर्म व्हिच इज रिच इन
अस्टार्च, अस्टार्च जो कि खाना प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोनिक पार्ट आर सेपरेटेड बाई ईच अदर बाई ए थिन इपिथेलियल लेयर, दोनों के बीच में एक ठो लेयर होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म इज रिच इन प्रोटीन, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो प्रोटीन से भरा होता है एंड कॉल्ड एलेरॉन लेयर। द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉटलीडॉन हेयर कॉल्ड स्कैटुलम। एम्ब्रियो का इसमें क्या होगा, सिंगल कॉटलीडॉन होगा, रेडिकल एंड ए प्लैमूल्स। द रेडिकल इज टुआर्ड्स द पॉइंटेड, द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉटलीडॉन हेयर कॉल्ड स्कैटुल, ए रेडिकल एंड ए प्लैमूल। क्या सेंटेंस लिखा है, द रेडिकल इज टुआर्ड्स द पॉइंटेड एंड एंड इट इज इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव शीथ द कॉलरेहिजा। द प्लैमूल्स इज टुआर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन एंड इज इनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव शीथ द कॉलेप्टाइल। प्लैमूल्स इसमें कहाँ पर रहेगा, अपर साइड की तरफ रहेगा ना, इज टुआर्ड्स द अपर ब्रॉडर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन, यहाँ पर दिखाया है ना, एल्यूरोन लेयर दिया है। उसके बाद इपिथेलियम, ये जो इपिथेलियम जो बीच में दोनों को सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, यहाँ पर कोलेप्टाइल है, प्लेमुल है और रेडिकल और कोलरेजा। द मेज ग्लैंड इज मोनोकोटिलेडोनस एंड एंडोस्पर्मिक। सम अदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज राइस, व्हीट, ओट। ओट्स क्या होता है, ओट्स सर, अलग, ओट्स, ओट्स ओट्स तो एक खाने वाला होता है, सर, उसमें भी कुछ होता है ना, मतलब एक मिनट, ओट्स का प्लांट होता है, वो कहाँ से कैसे बनता है, वो बार्ली सर, ओट्स में बार्ली यूज होता है बार्ली क्या प्लांट का नाम है, सर, बार्ली होता है ना, क्या कहते हैं, जौ कहते हैं सर हिंदी में, अच्छा हाँ जौ का बना होता है, हाँ बार्ली का बना होता है, अच्छा ये सब गांव में तो जौ ये लोग खाता है, गाय वगैरह, गाय भैंस। सर अभी तो सारे हेल्दी लोग सर, बड़े बड़े सुपरस्टार ओट्स ही खाते हैं सर, वही सर थोड़ा फिटनेस वगैरह के लिए, खाना की जगह मतलब ओट्स। हाँ सर ओट्स में, अब यहाँ पर बीन और मैज में जो डिफरेंस दिखाया है, टू कोटलीडॉन नो इंडोस्पर्म, यहाँ पर इंडोस्पर्म मतलब लार्ज इंडोस्पर्म प्रेजेंट, वो पानी टाइप का इसमें अंदर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर लार्ज एम्ब्रियो, इसका एम्ब्रियो जो है वो बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। प्लेमुल लिप्स फोल्डेड, इसका प्लेमुल लिप्स फोल्डेड होता है, प्लेमुल लिप्स देखो एक बार देख लो, बीन का प्लेमुल लिप्स ये वाला दिया है, प्लेमुल यहाँ पर इस तरह से फोल्डेड है ना, यहाँ पर ये जो दिखाया है ये प्लेमुल्स लीव्स है। हाइलम देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल, यहाँ पर देखो माइक्रोपाइल और हाइलम एक क्लियर दिखाया है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है माइक्रोपाइल छोटा सा छिद्र है और यहाँ पर हाइलम है जिसे प्लांट निकलता है। प्लेमुल लीव्स फोल्डेड और यहाँ पर प्लेमुल लीव्स रोल्ड, प्लेमुल लार्ज होता है इसमें, इसमें छोटा होता है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल विजिबल, इसमें दोनों दिखता है, हाइलम भी और माइक्रोपाइल भी, इसमें नॉट विजिबल है। सीड सेपरेटली कंटेन इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल फोकस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ सिंगल ग्रेन फ्यूज्ड, यहाँ पर फ्यूज्ड होता है ना और उसमें दोनों सेपरेट होता है। उसके बाद है जर्मिनेशन, द सीड कंटेन ए डोरमेंट एम्ब्रियो इन ए ड्राई सीड एंड एम्ब्रियो इज इनएक्टिव, यहाँ पर एम्ब्रियो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। इट इज सैड टू बी इन ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी, पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। आउटवर्डली इट अपीयर टू द टू बी विदाउट लाइफ, बट इन फैक्ट ऑल द केमिकल एक्टिविटी ऑफ लाइफ आर गोइंग ऑन इन इट, ऑल दाउ दे आर ऑलवेज दे आर वेरी स्लो एंड लिटिल फूड इज यूटिलाइज, जब तक ये अंदर रहता है इन लोगों को बहुत कम फूड का जरूरत पड़ता है। द ड्राई सीड कंज्यूम ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई सीड भी जो क्या है ऑक्सीजन कंज्यूम करता है बहुत इन एक्सट्रीमली मिनट क्वांटिटी, काफ़ी कम मात्रा में, एंड दे रिलीज सम हीट एज वेल, हीट भी थोड़ा सा प्रोड्यूस करता है व्हेन प्लेस्ड अंडर प्रॉपर कंडीशन। द डोरमेंट एम्ब्रियो अवेकेंस, दैट इज इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन टू ए सीडिंग,
ऑल द चेंज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सीडिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड जर्मिनेशन. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सीडिंग डेवलप फ्रॉम एम्बायो. सीडलिंग डेवलप फ्रॉम द एम्बायो. ए फ्रेश सीड फ्रॉम ए प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट इवन इफ द कंडीशन फॉर जर्मिनेशन आर ये फेवरेबल. फ्रेश सीड में बोल रहा है कि प्लांट नॉर्मली डज नॉट जर्मिनेट. प्लांट जनरली जर्मिनेट नहीं करता है अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो भी. इट मस्ट पास थ्रू ए पीरियड ऑफ डोरमेसी ड्यूरिंग विच इज अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन. इट मस्ट पास थ्रू ए पीरियड ऑफ डोरमेसी ड्यूरिंग विच इट अंडरगो फिजियोलॉजी मैचुरेशन. एक फिजियोलॉजिक मैचुरेशन के बाद ही जो प्लांट होगा उसमें बाहर निकलता है. उसके बाद है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. अब वाटर होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए ना. तो यहाँ पर दिया है द सीड ऑब्टेन वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट डेट इज फ्रॉम द सॉयल इन नेचर नेचुरल कंडीशन. द वाटर इज एब्जॉर्ब ऑल ओवर द सर्फेस बट मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल. ज़्यादातर जो होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है वाटर. जो माइक्रोपाइल जो छिद्र होता है वो. टू मेन यूजेज ऑफ वाटर आर पहला द सीड स्वेल एंड कंसिक्वेंटली द सीड कोट रपच्चर अलाउिंग द एलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म ए रूट सिस्टम. जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो बाहरी सीड का जो आवरण है वो ब्रेक नहीं होगा. ठीक है. रेडिकल वाटर के प्रेजेंस में इंक्रीज बढ़ता है और वो जो सीड होता है उसको ब्रेक कर देता है. वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर इन द कैटलोडाइन. वाटर इसके लिए भी जरूरी है कि जो कैटलोडाइन में फूड स्टोर है उसको एक ठीक से कन्वर्ट कर सके और भोजन के रूप में यूज कर सके ताकि एम्बायो जो है वो बड़े साइज उसका इंक्रीज हो. सुटेबल टेम्परेचर भी है. बहुत वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर आर अनसुटेबल फॉर जर्मिनेशन. वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ एम्बायो एंड वेरी हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय इट्स डेलिकेट टिश्यू. ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ए मॉडरली वार्म टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री तक जनरली यूज होता है और इसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं. सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट ऑफन नीड ए हायर टेम्परेचर. ट्रॉपिकल प्लांट जो होता है उन लोगों को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है. उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए. ड्यूरिंग जर्मिनेशन देयर इज रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड. द एनर्जी इज अवेलेबल ओनली बाई रेस्पायरेशन एंड हेंस नीड फॉर ऑक्सीजन. इन लोग को जो एनर्जी मिलेगा वो रेस्पायरेशन के जरिए मिलेगा और वो रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूर. क्या 15 मिनट में आधा आधा घंटा टाइम है ना. तो आधा घंटा है ना टाइम. अभी तो 5 बज रहा है. सारे 5:15 हो गया. नहीं सर 5 ही बजे.